जिनसे रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2756 पर कारोबार करता नजर आ रहा है 1.5% की तेजी के साथ, 2765 का ही लग चुका है। रूपा जी कल को आपने 2600 का लेवल दिया था, आपका वो अचीव हुआ था, और कल के दिन ही हमने बिनौला खल में शाम के कारोबारी सत्र में क्लोजिंग होते होते 4% का ऊपरी सर्किट भी लगता देखा था, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट है 2700 का वो भी अचीव होता नजर आया है। रूपा जी अब यहाँ से बिनौला खल में कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी, क्या बिनौला खल 3000 तक की भी छलांग लगा सकता है? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि बिनौला खल में 3000 तक की तेजी जो है वो बन सकती है। अब लगातार मैंने कल भी यही बोला था कि इन लेवल्स पर भी बाइंग कर सकते हैं, नीचे आए तब भी बाय कीजिए, क्योंकि अब यही एक ऐसी कमोडिटी मुझे दिखाई दे रही थी कि जिसके अंदर अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। डिमांड अच्छे खासे निकल रहे हैं, तो अभी तो हो सकता है आपको 3000 के ऊपर अगर ये रुक गई तो और ज्यादा भी तेजी की तरफ जा सकती है। जैसे हमने पीछे भी देखा था 3100-3200 तक के स्तर आए थे, तो वो लेवल भी हो सकता है कि बिनौला खल के अंदर देखने को मिले। अभी फिलहाल यहाँ से देखिए 2800-2850 तक एक बार ऊपर जाएगा मार्केट, वहां से थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद वापस से 3000 तक के स्तर संभव है। तो बिल्कुल इसके अंदर बाइंग पोजीशनें बनाई जा सकती हैं, डिप पर बाय करें। अभी आज तो फिलहाल वैसे ही मार्केट तेज है, 2700 के ऊपर है, तो इसमें फिलहाल बाइंग ही है, और ऊपर में 2800-2850 का टारगेट हो सकता है आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिल जाए। आज इंट्राडे में भी तेजी है, 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है, हो सकता है आपको 2800-2820 का लेवल आज हफ्ते के कारोबारी दिन देखने को मिले, और नेक्स्ट वीक में बिनौला खल जो है वो 3000 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे। जी यानी कि इंट्राडे में तो तेजी है बिनौला खल के अंदर, तो आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी बिनौला खल में जो तेजी है जारी रह सकती है। रूपा जी के अनुसार बिनौला खल 2800-2850 तक के लेवल दिखा सकता है, फिर हो सकता है कि वहां से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आए, और डिप पे खरीदारी करें। आज तो मार्केट वैसे ही तेज है, लेकिन डिप पे खरीदारी करके चलना ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा लेवल नीचे आने दें फिर डिप पे खरीदारी करें।